सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर ज़्यादा मामलों नूं देखदे होए रात दे करफ्यू टाइम चो कीता गया इन्ने घंटियां दा इत्थे वादा। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर आ, सो खबर नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर देखना, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहलां दोस्तों एक छोटी जिही बेनती है, साडे वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। हुण इत्थे कोरोना मामलों विच वाधे नूं देखदे होए रात दे करफ्यू दे समें विच इन्ने घंटे का वादा कर दिता गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिथे उत्तर प्रदेश दे विच कोरोना दे मामले लगातार वध रहे हैं, उत्थे ही वध रहे इन्हां मामलों नूं देखदे होए मुख्यमंत्री वल्लों कैबिनेट मीटिंग कीती गई अते इस बैठक विच बहुत सारे फैसले लैंदे हुए कई तरह के नवें नियम लागू किए जा रहे हैं। दस दिए जिथे सरकार वालों रात दे करफ्यू विच 2 घंटे का वाधा किया गया है, इस नाल हुण वीरवार तो सूबे विच रात दा करफ्यू 10 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक होगा। उत्थे ही 10वीं क्लास तक के विद्यार्थियों भी 15 जनवरी तक छुट्टियां किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों के वाधे को देखते हुए यह फैसला ले लिया गया है। उत्थे सूबे अंदर होने वाले माघ मेले में आने वाले सारे श्रद्धालुओं का कोरोना टैसट लाजमी किया गया है। इस विच नैगेटिव रिपोर्ट होने वाले श्रद्धालुओं को ही शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। इन्हां दी रिपोर्ट 48 घंटों तो वधेरे पुरानी नहीं होनी चाहिए। उत्थे इस मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की मुख्य सहूलतों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सो दोस्तों इस दे नाल ही साडी खबर इत्थे समाप्त हुंदी है। मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।